हाय एवरीवन, कुकिंग स्टार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देखेंगे ये खटाई है, ये जो अमिया होती है उसकी जो खटाई आती है मार्केट से, हमने ये खटाई ली है। तो हमें इसको है ना घर में पीसना है। तो घर में पीसने के लिए क्या है, कोई भी मौसम में, किसी भी मौसम में आप इस खटाई को ला सकते हैं। इस टाइम क्या होता है कि सितंबर के महीने में, अगस्त तो सितंबर के महीने में बहुत ही उमस होती है और ये हम है ना खटाई पीस नहीं पाते, तो लोग है ना अवॉइड करते हैं और खटाई को लाना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि इसमें मॉइस्चर बहुत हो जाता है और ये पीस नहीं पाती। तो अगर हम कैसे पीसें इसको, इसलिए हम हर मौसम में किस तरीके से पीस सकते हैं दिखाते हैं अभी। तो इस मौसम में भी आप अपने घर में खटाई ला के और पीस सकते हैं। तो देखिए किस तरीके से पीस सकते हैं। हमको एक बाउल लेना है और उसमें सारी खटाई हम डाल देंगे। ये हमने सारी खटाई भर ली है। तो अब हम क्या करेंगे, इस बाउल को हम माइक्रोवेव के अंदर रख देंगे और ये माइक्रोवेव सेट करके 10 मिनट हो गया और अब हम इसे स्टार्ट कर देंगे। तो ये 10 मिनट तक बिल्कुल इसमें चलती रहेगी। ये हमारे 10 मिनट पूरे हो चुके हैं। अब हम बाउल को निकालेंगे। बाउल थोड़ा गर्म होगा जिसे हम कपड़े से निकालेंगे। हम क्या करेंगे, एक पेपर बिछाएंगे, उस पर जो हमने बाउल में डाली थी जो गर्म हो गई माइक्रोवेव से, बिल्कुल है ना इसका पानी उड़ चुका है, इसको हम इस तरीके से फैला देंगे और बस 2 मिनट के लिए फैलाएंगे, जिससे ये जो गर्म होती है ना वो ठंडी हो जाए। ये 2 मिनट हो चुके हैं और ये बिल्कुल है ना अब ठंडी हो गई है। देखिए कितने आराम से ये टूट रही है, बिल्कुल भी इसमें मॉइस्चर नहीं है और बिल्कुल अच्छे से सूख गई है। अब इसको उठा के फिर से हम बाउल में डाल देंगे। अब हम मिक्सी का एक जार लेंगे जिसमें कटर है ना चटनी पीसने वाला हो, जिससे कि ये अच्छे से पीस जाएगी, और इसमें हम खटाई को डाल देंगे। तो ये खटाई किसी भी मौसम में आप पीस सकते हैं, बिल्कुल भी आपको इंतजार नहीं करना पड़ेगा कि अभी बरसात का मौसम है या ठंड का मौसम है, आप किसी भी मौसम में आप इसको पीस सकते हैं। अब देखिए एक भगोना लेंगे हम और एक छलनी लेंगे इस टाइप की, और ये देखिए कितनी अच्छी हमारी है ना खटाई बिल्कुल पिस गई। इसको हम इस तरीके से छान लेंगे, पूरी ये हमारी खटाई अच्छे से यूं छन जाएगी। ये जो खटाई बची है इसको फिर से हम मिक्सी के जार में डालेंगे और इसी में हम फिर से है ना इसको खटाई को फिल कर देंगे। जो बाकी की खटाई बची हुई है इसको हम इसमें डाल के फिर से पीस लेंगे। तो ये देखिए हमारी खटाई कितनी अच्छी बिल्कुल बारीक है ना पीस गई है। इसको और बारीक, अगर ये बिल्कुल बारीक है, जब मोटी मोटी रह जाती है तो आप बार बार इसको डाल के, इस पिसे हुए पाउडर को भी डाल के फिर से पीस लें, तो बिल्कुल इस तरीके से ये खटाई पीस जाती है। और ये देखिए कोई भी एक साफ सुथरा सा डब्बा लीजिए, बिल्कुल इसमें कोई गीला नहीं होना चाहिए, बिल्कुल साफ होना चाहिए, और इसमें आप इस तरीके से खटाई को भर के स्टोर कर सकते हैं और 6 महीने तक ये आपकी खटाई चलेगी। ये मेरी आधा किलो खटाई थी और ये 6 महीने तक कम से कम चलेगी आराम से, कोई दिक्कत नहीं, किसी भी मौसम में आप पीस सकते हैं। अब सोचना ही नहीं पड़ेगा आपको कि अभी हम खटाई लेके आए कि नहीं लेके आए, आपको किसी भी टाइम सोचना नहीं पड़ेगा और आपकी खटाई है ना बिल्कुल पिस जाएगी। तो ये फाइनली है ना बिल्कुल कितनी अच्छी खटाई है ना पिस गई है। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें और सब्सक्राइब जरूर करें मेरे चैनल को, जिससे कि मैं आपके लिए नई नई वीडियोस बना सकूं, और बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे सबसे पहले आपकी है ना वीडियो पे मेरा वीडियो आए। थैंक यू, शुक्रिया।